साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ स्थानीय तिलका मांझी चौक पर एक्टू ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार लगातार हर विभागों का निजीकरण कर रही है, यह कतई ठीक नहीं है। साथ ही साथ समाज में सांप्रदायिक विद्वेष का जहर घोलकर आम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही। मजदूर हित के कानून को खत्म कर कारपोरेट पक्षीय लेबर कोड बना लागू किया जा रहा है। रोजगार छीना जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी छटनी ने मजदूरों को परेशान कर रखा है। इसके खिलाफ आज हम सभी एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्टू के सभी कार्यकर्ताओं ने LIC कर्मियों का साथ देते हुए हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एक्टू कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला भी फूंका। कार्यक्रम में एक्टू की कई अधिकारी कार्यकर्ता और संगठित क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष कामगार शामिल थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने LIC का आज से IPO जारी कर दिया है और LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो सरकार देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हुए सत्ता में आई, वो एक एक करके देश की संपत्ति बेचते जा रहा है। हर चीज के अंदर जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, बैंक है, कोयला है, रेलवे है, इस सब में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और LIC को निशाना बनाया जा रहा है। तो LIC में जो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसी को वापस लेने की मांग को लेकर के आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ही इसी मुद्दे पर LIC कर्मियों का भी देशव्यापी हड़ताल है। एक्टू ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियंस LIC कर्मियों के साथ इस प्रदर्शन के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करता है और उसके आंदोलन को समर्थन देता है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हर स्तर पर निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, LIC में जो IPO जारी किया गया है इसको वापस लिया जाए। माँ पार्वती हेल्थ केयर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें बस स्टैंड से पूरब छातापुर सुपौल, मोबाइल नंबर 9570271247।